डायरेक्टर ऑफ दर एकम स्कूल फैजाबाद, लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद सलीम साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। खुदा अगर मोहम्मद को पैदा न करता, खुदा अगर मोहम्मद को पैदा न करता, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। जहां से जहालत नकाफूर होती, जहां से जहालत नकाफूर होती, मोहम्मद की अगर रहनुमाई न होती, न जन्नत न दोजख खुदा पैदा करता। अगर अहमद की जलवा नुमाई न होती, खुदा जाने शमसो कमर पूजते हम, अगर हिदायत मोहम्मद से पाई न होती। अब मैं दावत देने जा रहा हूँ इस स्कूल के होनहार तलबा, जो कि बहुत ही जोशीले अंदाज में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर तकरीर पेश करेंगे, उनके लिए तालियां बजा दें, जोरदार तालियां एक बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे सज मुअज्जज सामिउन व हाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। वो दानाए सबल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सबल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिय सीना। निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। जनाबे सर रहमत खुदावंदी का सहाबे करम जिंदा उम्मीदों और ताबिंदा आरजुओं की हजार मिन्नतें अपनी आगोश में लिए रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीना में फारान की चोटियों पर झूम कर आया और बलदुल अमीन की मुकद्दस वादियों में खुलकर बरसा। इंसानियत की मुरझाई हुई खेतियां लहरा उठी, इखलाक और तमद्दुन के पजमुर्दा फूलों पर फिर से बहार आ गई। अमाले साले के खुश्क चश्मे हयात ताजा की जुए रवा में तब्दील हो गए। हर तरफ से मुसर्रतों के जमजमे बुलंद हुए, चांद मुस्कुराया, सितारे हंसे, आसमान ने झुककर जमीन को मुबारकबाद दी कि तेरा तो नसीब जागा फरिश्तों की निगाहों में। इतनी आलम माला तालमून की तस्वीर पैकरे महबूबियत बनकर चमकने लगी। वो आने वाला आया और इस शाने जेबाई से आया कि फिजाए आलम सलातो सलाम से गूंज उठी। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलामे मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामों बका की कसम। जनाबे सर वो आने वाला रसूल काफतल नास और रहमतल आलमीन बनकर आया और अपने साथ वो निजाम अदल हुनियत लाया जो इंसानियत की दुनिया भर की गुलामी का कफील था। जनाबे सर सदाकत जहाँ कहीं भी थी, इसी किताब मुबीन का कोई ना कोई वर्क था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसादत से इस दुनिया को मिली। मशाम जानवाज ने जो भी इत्र बेदी की थी वो लाला और जासमीन की इन्हीं पतियों की रहीने मिन्नत है, जिसका गुलदस्ता नबी आखिरुज़्ज़मा के मुकद्दस हाथों मेहराबे काबा में रखा गया था। किताब फितरत के सर वरक पर, किताब फितरत के सर वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकती वजूद लोह कलम न होता। जनाबे सर पैगाम मोहम्मदी क्या है, अपनी इन्हीं औराक की शहजादा बंदी जो हवादस अर्जी समावा ने सैने कायनात में इधर उधर बखेर दिए थे, और मकाम मोहम्मदी क्या है, अपनी जाते ताजा का पैकर उसनो जेबाई जो सताइश घरों की अकीदत में मस्तूर कर दिए थे। वहाँ ये जौहर अलग अलग थे, यहाँ ये पैकर जलाल और जमाल इन सबका मजमूआ था। वो मोती थे ये माला थी, वो पतिया थी ये फूल थे, वो जर्रे थे ये चट्टान थी, वो कतरे थे ये समुंदर था, वो अफराद थे ये मिल्लत थी, वो इब्तिदा थी ये इंतहा थी। हल्को तकदीर और हिदायत इब्तिदास, हल्को तकदीर और इब्तिदास, रहमतुल लिल आलमीन इंतहास। जनाबे साल और जब हकीकत ये है तो फिर और कौन सी शख्सियत हो सकती है जिसे मकामे महमूदियत पर जलवा अफरोज होने का हक हासिल हो सके, वो मकाम जो हर सताइश का मर्जा हो। खुदाए अली वो खबीर ने अपने बंदों से जो कुछ कहना था आखिरी मरतबा कह दिया, शर्फ इंसानियत के कवानीन इंतहाई शक्ल में दे दिए गए, आप खत्मे नबूवत का ताज आन हजरत के सर पर सजा दिया गया। अब इंसान को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए किसी हादियत तरीकत और नाम निहाद मसीह मौत की कोई एहतियात नहीं। खुदा अली वो कबीर ने इस जात को ये सनद अदा की के इन्ना कला अला खोलो के नजीब, बेशक आपकी इखलाक बहुत अजीम है। जनाबे सर अब कोई और हमारी निगाहों में चश्मा ही नहीं, यही वो हमारक है जिनकी रोशनी में हर साहिब बसीरत इश्क रसूल के पहरे में करा में होता जल होकर जज्बा मस्ती में जब नारा बुलंद होता है कि या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर म्यू वजह कल मुनीर लकद नुफर अल कमर लाजम के रसनाओ कमा का नहकु बादस खुदा बुजुर्ग
تعلق تو ہی قصہ مختصر. والسلام.